दिवाली आ रही है और दिवाली की जब बात होती है तो सबसे पहले हम मिठाई और पटाखे जो है इन्हीं के बारे में सोचते हैं। और आप सोचिए अगर दिवाली में आपको मिठाइयों की मिठास के साथ साथ पटाखे भी जलाने मिल जाएं, यानी इन पटाखों में ही मिठास मिल जाए, तो कितना मजा आएगा। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, मुझे भी नहीं आया था, बट मुझे सेजल ने ये चीज क्लियर करी। सो प्लीज से अ बिग हेलो टू सेजल। हाय सेजल। हाय। ओके सेजल जो है ये शी इज हॉबी इज टू एक्चुअली मेक ऑल डिलिशियस थिंग्स और बेकिंग इनकी काफी बड़ा इंटरेस्ट रहा है। तो सेजल पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। सो रिसेंटली मैंने लॉकडाउन में बेकिंग स्टार्ट की। लाइक लॉकडाउन में सब घर पे थे, सब घर पे फंसे हुए थे, तो जो भी घर के इंग्रेडिएंट्स थे उससे आटा केक से स्टार्ट किया। देन थोड़ी बहुत क्लासेस ली, प्रोफेशनल क्लासेस ली, एंड उसके बाद मैं चॉकलेट पे आई। तो फिलहाल मैं फुल टाइम चॉकलेट मेकर हूँ। That's so great, and that is the reason आज हमें ऐसे पटाखे देखने मिलेंगे जिनको हम खा भी सकते हैं ना सेजल। हाँ, काफी ऑप्शंस हैं। चलिए तो अब हम सेजल से जानेंगे कि रस्सी बॉम, फूलझड़ी, अनार, इनको खाया कैसे जा सकता है और इन पटाखों में मिठास कैसी होती है। So basically ऐसा है कि मैं काफी सालों से पटाखे फोड़ने बंद कर दी हूँ क्योंकि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, पोल्यूशन होता है, एंड मैं थोड़ी एनिमल फ्रेंडली साइड में हूँ तो मैं पटाखे नहीं फोड़ती। बट अब मुझे कुछ तो एक्साइटमेंट चाहिए था, दिवाली में लगना चाहिए दिवाली है। सो मैंने अपने लिए खुद का एक दिवाली प्लैटर बना लिया जिसमें पटाखे भी थे बट स्वीटनेस भी थी, तो दोनों का कॉम्बो ऐसे सेट हुआ। सबसे पहले सबसे कॉमन अनार है। अनार सिर्फ चॉकलेट नहीं है, मेरे घर चॉकलेट में कुछ ना कुछ इन्फ्यूज है। तो ये सबसे पहले वाला अनार विथ कोकोनट है। ये लुक से ही समझ में आ रहा है, ये लड़ी बॉम है, ये व्हाइट चॉकलेट विथ मिंट है, फिर हमारे पास सुतली बॉम है, सबसे बड़ा धमाका जो करता है वो ये है, लक्ष्मी बॉम, सुतली बॉम यही कहते हैं। तो ये हमारा फज बेस में है, डार्क चॉकलेट विथ फज। फिर हमारे पास ये छोटे छोटे वेरिएशन में ये चक्री है एंड ये छोटी लड़ी है। और फाइनली रॉकेट है, ये कैरमेल के साथ है। सो आपने दिवाली में स्वीट्स मिठाइयां तो खूब बना ली, इस दिवाली अपन कुछ नया करते हैं और इस दिवाली हम पटाखे बनाकर देखते हैं। तो इस दिवाली कुछ इजी करते हैं, क्विकेस्ट रेसिपी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा इंग्रेडिएंट नहीं लगेगा और झटपट बन जाएगी।
क्विकली इजीली ये सारे वेरिएशन बना सकते हैं, तो आप भी बनाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। और वीडियो क्लोज करने से पहले दो डिस्क्लेमर। सबसे पहला कि चॉकलेट और पानी दोनों अपोजिट है, तो कभी भी चॉकलेट को पानी में या पानी को चॉकलेट में ना लगने दें, पूरी चॉकलेट खराब हो सकती है। और दूसरा, हमेशा चॉकलेट को वार्म रखें, जितनी अच्छी वार्म चॉकलेट होगी, फ्लोई कंसिस्टेंसी में होगी, आपकी ये जो आउटकम है वो उतना अच्छा होगा। फ्रेंड्स, डू लेट अस नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और दिवाली पर आप ये रेसिपी इस बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बिकॉज मिठाइयाँ तो हम बनाते ही रहते हैं, क्यों ना इस बार पटाखों को बनाया जाए और साथ ही इनके मिठास का आनंद लिया जाए। इस दिवाली क्यों ना कुछ नया किया जाए, पटाखों को जलाइए कम और खाइए ज़्यादा। पटाखों से एज यू ऑल नो बहुत पोल्यूशन होता है दोस्तों, पटाखे जो हैं वो नॉइस पोल्यूशन भी फैलाते हैं और साथ ही एयर पोल्यूशन भी फैलाते हैं। पटाखों को हम इस बार खाएंगे ज़्यादा, जलाएंगे कम। तो चलिए यही रेजोल्यूशन लेते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन सब लोग लेते हैं, इस बार दिवाली रेजोल्यूशन हम ये लेते हैं, पटाखों की मिठास आपकी ज़िंदगी में हमेशा बनी रहे। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से शुभ दीपावली।